एवरीवन, इट्स मी बुशरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग सब? और आज है न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ये अभी 12 नहीं बजे, तो अभी हम आए हैं कुछ खाने पीने के लिए। न्यू ईयर की हम कहते हैं कि स्टार्टिंग थोड़ी इन्जॉयमेंट से। वैसे भी स्कूल खुल जाएंगे एक दिन के बाद, तो फिर तो सभी घर रहते हैं। तो बस मैं अभी दिखाती हूँ कि हम कहाँ हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है जब बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम थोड़ा एंजॉय करेंगे स्कूल। और हमारा बिल्कुल अचानक प्लान बना था कि मैं पापा को मना रही थी कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, हमारी सारी छुट्टियां भी ऐसी गुजर गई हैं। तो अचानक से पापा ने बोला कि चलो चलते हैं। फिर जो अचानक प्लान बनता है उसकी तो खुशी नेक्स्ट लेवल होती है। तो ये बच्चे वगैरह इंजॉय करें। दुआ, ये देखो बच्चों के साथ अच्छी बन गई है। ये क्या कर रहे हो? ये तो अजान, अजान किधर है? अजान अंदर गए। अच्छा, तो यहाँ पहले मैंने ब्लॉग बनाया हुआ, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी सर्दी की वजह से इन्होंने थोड़ा सा बंद कर दिया, बिकॉज बाहर बहुत सर्दी हो रही है। मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। अब देखते हैं मम्मा वाले कहाँ बैठे हैं, चलते हैं मम्मा वालों के पास। दुआ कहाँ है मम्मा वाले? उस साइड पर है। कहाँ चले गए? कहाँ पर है दुआ? सर्दी की वजह से नहीं नहीं भाई कुछ नहीं। अजान दुआ दे रहे हैं, झूले वगैरह ले रहे हैं। झंडुआ इतनी सर्दी है, इतनी ठंडी हो रहे हैं झूले, और ये पता नहीं वो कैसे मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं तो उस साइड पे जाती हूँ, उस साइड भी लोग आ गए हैं उधर। ठीक है, तो अभी हम उस साइड चलते हैं, मम्मा लोग के पास थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर बातें शातें कर लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है, अभी तो 9 बजे हैं। ठीक है, अभी 3 घंटे हैं और स्टार्ट हो जाएगा न्यू ईयर 2023 स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने अपना ऑर्डर वगैरह कर दिया था। अब ना पहले जब मैंने व्लॉग बनाया था तो यहाँ पर हम तब सर्दी नहीं थी, तो पहले हम लोगों ने बाहर बैठ के खाना वगैरह खाया था। तो अब इस बार बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो मैंने बिल्कुल अलग एरिया बना दिया था, क्योंकि बाहर अब लोग बैठते नहीं हैं, बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इसी वजह से अब अंदर बैठे। अच्छा, तो अब इस साल के बारे में, जैसा हमारा साल गुजरा उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। इस साल में कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी चीज़ें हुई। अच्छी अच्छी बता देते हैं, बुरी को छोड़ते हैं। अच्छा ये हुआ कि मैंने दोबारा से यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, बिकॉज मैंने बीच में छोड़ दिया था जैसे कि। तो मैंने दोबारा से यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया और मेरे ब्रेसेस 2 साल बाद उतर गए। मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी जब मेरे ब्रेसेस उतरे थे। अच्छा, मैं अच्छी चीज़ बता दूँ ना कि इस साल में क्या क्या हुआ। और क्या हुआ इस साल में, मैं 9th में आ गई इस साल में। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि मैंने दोबारा यूट्यूब चैनल शुरू किया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने दोबारा सोचा ही नहीं था कि मैं दोबारा शुरू भी करूँगी यूट्यूब चैनल, बिकॉज मैंने छोड़ दिया था। जैसे मेरी वीडियोस पड़ी हुई थी, मैंने छोड़ा इस तरह था कि मैंने स्टार्ट किया मैं ईद के ब्लॉग बनाऊँगा, ईद के बाद मैंने कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि स्कूल खुल के 2 महीने की छुट्टियाँ खत्म हो गई, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद अचानक से मेरी आदमी मुझे रोज़ नहीं, मुझे थोड़े थोड़े दिन बाद बोल जाती थी कि मैं तुम्हारी यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूँगी, डिलीट कर दूँगी, तुमने तो कुछ करना नहीं है। ऐसे ही एक दिन उसने रात को मुझे बोला कि मैं क्या स्टोरी बताने लगी वैसे, तो ऐसे ही उसने रात को उस दिन बोला कि मुझे अपनी शूज़ कलेक्शन दिखा दो। तो मैंने बोला हाँ। उस टाइम रात के कोई 8:30-9 बजे होंगे, तो उसने बोला चलो कुछ ना वीडियो बनाते हैं। तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है। मैंने तो दोबारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मेरी शूज़ कलेक्शन वाली वीडियो थी, तो वो मैंने वीडियो बनाई। मैंने सारा देखे मेरे शूज़ कहाँ पड़े हुए हैं, उसी टाइम 1 घंटे में मैंने वीडियो बनाई है और नेक्स्ट डे उन्होंने अपलोड कर दिया। ठीक है,
ऐसे मैंने दोबारा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला रही, मैं नहीं छोड़ने वाला का मेरा कोई प्लान नहीं है, ठीक है। और बुरा क्या हुआ, बुरा तो बहुत हुआ यार, खैर उसको छोड़ते हैं, ये साल भी गुजर गया अच्छा, अब अगला साल भी देखो कैसे गुजरते हैं। हम तो आपके साथ सारी वीडियोस शेयर करती रहूँगी कि मैं इस साल में क्या कर रही हूँ। इस बार मैंने अपने बर्थडे प्लान भी बहुत अच्छे किए, क्योंकि मेरी बर्थडे जब आएगी अप्रैल में, भी 4 महीने हैं, तो मुझे पूरे साल इंतजार रहता है अपने बर्थडे का, तो उसका भी अभी तो मेरी सिस्टर की आएगी सबसे पहले जनवरी में, शादी भी आएगी जनवरी में, और एंड में मतलब एंड में नहीं बोल रही, क्या बोल रही हूँ मैं, जनवरी के एंड में आप ही की बर्थडे आएगी, उसका भी ब्लॉग बनाऊँगी। अभी हम चलते हैं, मुझे बुला रहे हैं कि क्योंकि जाके वो खाते हैं और साथ दिखाती हूँ। अच्छा तो मैं बस बाहर ही घूम रही हूँ, सर्दी इंजॉय कर रही हूँ, वैसे सर्दियाँ अब आती कितनी देर के लिए, 2-3 महीने के लिए, तो बस बहुत सर्दी है यार। हाँ जाए तुम सामने जितने कुछ चलते हैं, अरे तुम लोग जाओ, मैं इधर ही घूम रही हूँ। अच्छा हाँ तो बस अभी हम शादी को इंजॉय कर कर आए हैं साथ, अभी हमें खूब शादी की तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि साथ अभी दिसंबर में शादी थी ना 13 को, तो और अभी जनवरी में आई, अभी मैं साथ से तैयारी दिखाऊँ कि अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने गई थी, मैंने उसका ब्लॉग भी अपलोड करूँगी ना, तो मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया शॉपिंग करने गई, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या लूँ, अभी एक शादी की कपड़े लिए हुए थे तो कुछ उसके लिए आसान समझ नहीं आया, तो अभी देखूँ दोबारा जाएँगे, तो फिलहाल तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। और बस नया साल सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, मेरे लिए भी, मेरे इस नए साल में बोर्ड के पेपर हैं फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए भी सब दुआ करना, और मैं फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर दूँगी, नया साल तो मान लिए बस यही ला रहा है फिलहाल बोर्ड की टेंशन। हाँ इस नए साल की स्टार्टिंग में शादी होगी पहले, तो उसके बाद मेरे बोर्ड के पेपर होंगे, फिर हम फ्री होंगे, कई क्लासेस स्टार्ट होगी तो फिर तो मतलब बहुत टाइम होगा ना, अभी तो मेरे एग्जाम होंगे तो थोड़ी बहुत शादियों में टेंशन होगी। खैर तो अभी हम डांस प्रैक्टिस करने आए हैं, अच्छा तो यहाँ पर होते हैं मेरे व्लॉग का एंड, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।